देखिए, आज 10th of July और ये जो वीडियो मैंने आपको पहले शो किया है, ये है श्रीलंका का। आपको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, वहाँ पे क्राइसिस चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, क्रूड, सिलेंडर्स या फिर जो भी असेंशियल आइटम थी उसको नहीं खरीदा जा रहा था। लेकिन आज लेकिन मतलब कल क्या होता है कि ये जो भीड़ है वो चली जाती है और ये प्रेजिडेंट के सेक्रट्रिएट में, प्रेजिडेंट के जो उनके प्राइवेट हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइवेट हाउस है, कई जगह पे उन्होंने आग लगा दी और कई जगह पे इस तरह से जो चीजें हैं वो होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये वाली जो वीडियो है वो दिखाई दे रही है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज आई हुई है, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो क्वेश्चन क्या है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यूपीएससी ने जो पहले पूछा हुआ है 2013 में। वो कहते हैं कौन सी ऐसी बॉडीज है जिनका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर 1 एनडीसी, नंबर 2 प्लानिंग कमीशन, नंबर 3 जोनल काउंसिल। तो ए ऑप्शन आपका 1 और 2, बी ऑप्शन 2 ओनली, 1 और 3, और डी ऑप्शन 1, 2, 3। तो इनमें से आपने वाइल वॉचिंग दी वीडियो आपने आंसर देना है और आपको लास्ट में इसका आंसर पता लग जाएगा। सो पहले ही कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि ये जो चीज है वो मतलब एक तरह से पक्की भी हो जाती है और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप कमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे जो सबसे पहली न्यूज है जो हमने डिस्कस किया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अभी प्रोटेस्टर्स ने तो बहुत ही ज्यादा अब यहाँ पे हंगामा कर दिया है। पहले चीज तो जो मोब है उसने जो पीएम रनिल विक्रम सिंघे हैं उनका प्राइवेट रेजिडेंस को आग लगा दी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट में वहाँ पे घुसे, प्राइवेट जो प्रेसिडेंट का प्राइवेट हाउस था वहाँ पे घुसे हैं। अभी जो मतलब मिलिट्री सिक्योरिटी के बावजूद भी ये जो चीज़ें हैं वो होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। सो ये जो कुछ चीज़ है, मतलब अभी जो पीएम है उन्होंने वहाँ पे रिज़ाइन देते हुए बोला कि जो ऑल पार्टी जब भी जो गवर्नमेंट बनेगी और अपने आप को प्रेजेंट करेगी तभी मैं अपनी जो पोस्ट है वो साथ के साथ में छोड़ दूंगा, मैं तो रिज़ाइन कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के बाहर आ रही है और आपने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी होंगी जहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो प्राइवेट हाउसेज में स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, कहीं जगह पे कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ बना हुआ है, वहाँ पे जाके अपना इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय क्या, बस वो अपना कूल हो रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो वो भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, आगे वो भी फोटो देखेंगे किस तरह से उन्होंने माहौल बनाया वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है वो GS2 से रिलेटेड है, चलो ये तो आपको पता है, चलते हैं आगे। अहेड ऑफ FATF विजिट पाकिस्तान डबल्स एफर्ट टू ट्रेस मसूद। देखिए जो FATF है वो क्या है, पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे उसका मैंडेट क्या है, नंबर 2 चीज़ हम ये पढ़ेंगे आज, नंबर 3 कितनी तरह की लिस्ट होती है ये पढ़ेंगे, और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और ग्रे लिस्ट है क्या। अब देखिए FATF क्या देखेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकालने की बात करेगी, लेकिन तभी करेगी अगर वो अपनी जो चीज़ें हैं, जो जैश ए मोहम्मद का फाउंडर मसूद अज़हर और उसका जो ब्रदर है जो जो कि बहुत ही ज़्यादा वांटेड है, जिन्होंने इंडिया पे अटैक है, टेरर अटैक्स काफ़ी करवाए, जैसे कि IC-814 एरोप्लेन हाईजेक हुआ था, हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ, तो अगर उसके खिलाफ कुछ करेगी तो जो ग्रे लिस्ट है उसमें से निकाल दिया जाएगा, और निकालने से फ़ायदा क्या होगा और अगर नहीं निकालते तो क्या नुकसान है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। सो ये जो न्यूज़ है वो आपको GS2 और GS3 का जो मसला है उसमें हमें नज़र आती है। सो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ FATF, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में देखते हैं कि FATF होता क्या है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए सबसे पहले एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ये, ठीक है, और ये बनाई किसने थी, G7 ने बनाई थी 1989 में। उन्होंने देखा कि हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें हैं उसको क्या करना है, कॉम्बैट करना है, ठीक है जी, और प्रिवेंट करना है, जैसे टेररिज्म हो गया, ये वो हो गया, हमने उस चीज़ को ख़त्म करना है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग जिसको हम बोल देते हैं। अब इसका मैंडेट क्या है, देखिए आपको पता है आफ्टर 9/11 अटैक्स हो गया, जो FATF है वो 2001 में वो एक्सपेंड करता अपने मैंडेट को कि कॉम्बैट करना हमने टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मतलब पहले इसका काम क्या था 1989 तक कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस है उसको देखने की कोशिश करता था, लेकिन अब इसका 2001 से एक और काम इसमें इंक्लूड किया गया, वो क्या है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये 2001 में ऐड हो जाता है क्योंकि उसके बाद में ये 9/11 का अटैक हमें नजर आने के बाद में। अब ये जो FATF है इसने कुछ मतलब क्या किया हुआ है कि भाई अपना काउंटर करता है फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब जो भी मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स है उसकी जो प्रोलिफरेशन है वो दूसरी कंट्री से या एक से एक जगह से दूसरी जगह पे ना पहुंच पाए, वो ये काम करता है यहाँ पे। ये चीज़ आपने पहले तो याद रखनी कि ये व्हाट इज FATF ये हमें पता होना चाहिए। नंबर 2 इसका मैंडेट क्या है, देखते हैं मैंडेट के बारे में देखते हैं।
मैंडेट अगर हम यहाँ पे देखें इसका, देखिए ये कॉम्पोजिशन मतलब मैंडेट और कॉम्पोजिशन इसमें क्या आती है। पहली चीज 37 मेंबर मतलब ये जो अभी करंटली हम बात करते हैं तो 37 मेंबर ज्यूरिस्डिक्शन है और टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। नंबर वन इज यूरोपियन कमीशन और नंबर टू इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जहाँ पे OECD का हेडक्वार्टर है, और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में, ठीक है जी। तो दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि भाई टाइप्स ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट कौन कौन सी हमारे इसमें आती है FATF में। एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। देखिए और ग्रे लिस्ट में अगर हम बात करते हैं, जो कंट्रीज को कंसीडर किया जाता है कि ये एक सेफ हेवन है, जो कि सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, समझ में आया, कि जिन कंट्रीज को ये माना जाता है ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है, किस चीज़ के लिए, फॉर द टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, हम उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि ये एक वार्निंग होती है ग्रे लिस्ट में डालना, अगर वो नहीं सुधरे तो ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे ब्लैक लिस्ट क्या है। ब्लैक लिस्ट जैसे नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज कोई बात ही नहीं मानती, उनको बोल भी दिया कि आप टेरर फंडिंग कर रहे हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज कर रहे हो, रेगुलरली करते जा रहे हो, आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, आप प्लीज़ इसको देखो, नहीं देख रहे तो उनको हम ब्लैक लिस्ट में डालते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, भी मानता ही नहीं है किसी चीज़ को। तो ईरान अभी हमने इसमें डाल रखा है। तो ये जो सारी चीज़ें आपने हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन मतलब उसको डाल देते कि वो प्रॉपर उसको उसके ऊपर चेक रहे। तो ये होती है टाइप्स ऑफ लिस्ट, मतलब दो तरह की हमारे पास लिस्ट आ गई, एक ब्लैक और ग्रे, ठीक। अब आगे देखो ग्रे लिस्ट है क्या और उसका इम्पैक्ट किस तरह से पाकिस्तान पे, वाई इज पाकिस्तान ऑन इट। देखो भाई अब इसमें हमें पता चलता है कि जो ग्रे लिस्ट है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक चेक रखना पड़ेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग में, और कंट्रीज जो हम 2022 तक की हम बात करें तो पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, टर्की, म्यांमार, फिलीपींस, साउथ सूडान, युगांडा, यमन, ये वाली जो कंट्रीज है वो ग्रे लिस्ट में डाल रखी हैं। रिमूव फ्रॉम द लिस्ट कब होगी, अब सपोज करके चलते हैं भी किसी भी कंट्री को हम रिमूव कर सकते हैं, जो FATF है वो लिस्ट से निकाल सकता है, वो किस तरह से निकालेगा, जब वो कंट्री मतलब जिसके खिलाफ ये जो लोग है जैसे मसूद अजहर हो गया या कुछ और लोग है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग करते हैं, उनके खिलाफ एक अच्छे तरीके से एक्शन लेगी, कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द टेररिस्ट ग्रुप्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करेगी, कॉन्फिस्केट करेगी, ठीक है जी। तो ये अगर FATF सेटिस्फाइड रहेगा इस चीज़ से तो मोस्ट प्रोबेबली उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो रिसेंटली वो कहते हैं जिम्बाब्वे एंड बिफोर दी बॉट्सवाना एंड मॉरिशियस जो ग्रे लिस्ट में से ऑफ किए गए हैं, ठीक है जी, निकाल दिए गए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी FATF। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके अलावा कुछ है भी नहीं वैसे तो, लेकिन आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लेने हैं अपने बैक करके ले लेना। तो ये दो न्यूज़ होगी आज की हमारी। तीसरी न्यूज़ के हम बारे में बात करते हैं। आपको पता है कल हमने न्यूज़पेपर नहीं डाला और उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो यहाँ पे अमरनाथ की जो केव, जहाँ पे जो अपने भक्त जा रहे थे वहाँ पे, तो उसको होता क्या है कि अचानक से एक झरना टाइप, एक वाटरफॉल टाइप बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा सा पानी आने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो टेंट वगैरह उस वैली में लगे हुए थे वो सारे के सारे वॉश हो जाते हैं। और अभी तक 15 बॉडीज़ तो रिट्राइव कर ली गई हैं और वहाँ पे अभी भी नहीं पता, काफ़ी लोग हैं जो इंजर भी हुए हैं और काफ़ी लोग अभी भी लापता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि वो चीज़ बोली जा रही है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से वहाँ पे होता है, तो क्लाउड बर्स्ट है क्या उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट। देखिए पहली चीज़ ये ऐसा नहीं है कि कोई बादल फटने का मतलब है कि कोई पटाखा पड़ गया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेवल का, है ना, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब बहुत कम टाइम में अगर इंटेंस रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाए एक छोटे एरिया में, बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया है और उस छोटे एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन में एक हाई लेवल की इंटेंस रेनफॉल होनी स्टार्ट हो जाए, हम उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, पहली चीज़। नंबर टू यहाँ पे आता है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर प्रेसिपिटेशन एक्सीड होती है 100 mm, ठीक है, पर आर ओवर अ ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20-30 स्क्वायर किलोमीटर, हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्लाउड बर्स्ट। ये देखा जाता है मानसून के टाइम पे, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब मानसून दो हिस्सों में बन जाती है, दो उसकी जो ब्रांचेज है वो रहती है, वन इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड सेकेंड इज़ अरेबियन सी ब्रांच।
तो इनमें हम ये चीज़ देखने को मिलती है। और जहाँ पे बहुत कम रीजन में 100 mm की जो पर आर की जो बारिश हो जाए तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है हमें दिखाई देती हैं। और इनका इम्पैक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ फ्लैश फ्लड आ सकते हैं बहुत ही हाई लेवल के। नंबर 2 लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड आ सकते हैं। और नंबर 3 है मड फ्लो, और नंबर 4 इज लैंड केविंग। ये चार मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है। आई होप आपको ये क्लाउड बर्स्ट है जो वो समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो गए होंगे कि क्लाउड बर्स्ट डज नॉट मीन के बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बादल का फटना और वहीं पे पानी गिर जाना। ठीक, चलिए अब ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू GS3। ये GS3 से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन दी फॉरेस्ट, ये बात की जा रही है। देखिए आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कैप्टिव ब्रीडिंग। अब अगर कोई चीज़ बहुत कम होती जा रही है ना कंट्री में या फिर वर्ल्ड लेवल पे, तो हम उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। मतलब कि अगर वो वाइल्ड में रखेंगे तो वो ख़त्म हो रही है, तो उसको एक पिंजरे में डाल के एक इन्वायरमेंट बनाकर जैसे ज़ू हो गया वहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग उसकी की जाती है। तो जो कपल है मतलब कोई भी अपने एनिमल का, तो वो जो कैप्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जो बच्चे हैं वो उनके आते रहते हैं, और लेकिन बच्चे भी वहीं पर रहते हैं क्योंकि वो वाइल्ड में जा नहीं सकते। तो अभी रेड पांडा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। सो अभी दार्जिलिंग जू ने ऐसा सोचा कि हम इनको रिलीज़ करेंगे सिंगालीला नेशनल पार्क में, ठीक है, सिंगालीला नेशनल पार्क में हम इनको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब रेड पांडा की कैप्टिव ब्रीडिंग हो क्यों रही थी, मैंने अभी आपको बताया जिनका नंबर कम हो जाए। अब ये जो रेड पांडा है, जो सबसे ज़्यादा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है रेड पांडा के बारे में, कि इसका जो IUCN का स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, ठीक है जी, इंडेंजर्ड स्टेटस है। और ये स्टेटस प्रोवाइड कौन करता है, IUCN प्रोवाइड करता है। और आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बतानी है कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये चीज़ आप बताओगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है। तो आपने सिर्फ ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि एक प्रोग्राम चला है जिसका नाम है सशक्ति। ये सशक्ति जो प्रोग्राम है यहाँ पे ये है क्या, दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि वेमेन को हेल्प करेगा फाइट बैक। आपको पता है कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा हमें ये इंस्टांसेस या चांसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे अटैक कर दिया जाता है वेमेन के ऊपर, या रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इनको एम्पावर करने के लिए, थोड़ा पावर करने के लिए, नॉट एम्पावर, पावर करने के लिए इनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सिखाई जा रही है। अगर कोई दिक्कत ये क्रिएट करेगा इनके साथ में कोई, तो ये जो मतलब वेमेन होएगी उसको मार सके, या फिर कोई एक आधा मुक्का थप्पड़ थप्पड़ मार के उसको भगा सके। ठीक है जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है जो न्यूज़ रिगार्डिंग दी नॉर्थ जोनल काउंसिल। देखिए नॉर्थ जोनल काउंसिल ने सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया, और हमें इस काउंसिल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS2, ठीक है, ये GS2 से रिलेटेड है, और आपको क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग ऊपर दिखा था। ठीक है जी, तो GS2 के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जो जोनल काउंसिल है वो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है राजे आपका। एक ऑप्शन में अभी आपको बता रहा हूँ जो ऊपर क्वेश्चन पूछा, जोनल काउंसिल्स आर दी स्टेट्यूटरी बॉडीज, मतलब किसी एक्ट से बना होगा, है ना। मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई भी चीज़ जब एक्ट से बनती है तो वो स्टेट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से ये बनती है। देखिए कंट्री को हम डिवाइड कर देते हैं 5 जोन्स में, नॉर्दर्न हो गया, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। और हर एक जोन के लिए एक हमने काउंसिल प्रोवाइड की हुई है जहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इनको डिवाइड किया गया, जैसे कि नेचुरल डिवीज़न ऑफ द कंट्री हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी हो गया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें हो गई यहाँ पे, जिसको हमने देखना है। अब इसके साथ में अगर हम बात करते हैं, इन जोनल काउंसिल्स के साथ में हमने एक नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बनाया हुआ है,
और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल हमने बनाई है ये उनसे अलग है और इसको अलग एक एक्ट से बनाया है। जो पहले एक्ट हमने यूज़ किया वो था एक्ट ऑफ 1956, अभी हमने एक्ट यूज़ किया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। एज यू कैन सी दिस सेक्शन हैज़ बीन बोल्डेड बाय मी, ठीक है जी। तो हमने इसको बोल्ड कर रखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहा करो ताकि आपको दोबारा से ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसमें जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, यहाँ पे जो है वो हमें दिखाई देती है सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, ठीक है जी। सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अलग से बनाई हुई है और अलग एक्ट से बनाई है, ये चीज़ आपने याद रखना है। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़ आता है। सेंट्रल में आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में वी आर हैविंग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और वेस्टर्न में आपको देखने को मिलेगा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर एंड हवेली। और सदर्न जोनल काउंसिल में आपको आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी देखने को मिलती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर रहता है। वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो रोटेशन वाइज आता रहेगा हर एक जोनल काउंसिल में से। मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर और एंड टू अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, याद रखना है आपने कि वाइस चेयरमैन कौन होएगा, चीफ मिनिस्टर जो भी स्टेट का है वो रोटेशन वाइज आता रहेगा, चेयरमैन कौन रहेगा, यूनियन होम मिनिस्टर रहेगा। मेंबर्स कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ में दो और जो मिनिस्टर्स उनके रहते हैं जो कि नॉमिनेट करता है गवर्नर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट, ठीक है, और दो मेंबर फ्रॉम द यूटी ऑब्वियसली। एडवाइजर्स जो रहते हैं जैसे कि वन पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, लेकिन अभी तो प्लानिंग कमीशन क्या हो चुका है, ख़त्म, तो अभी क्या है नीति आयोग, तो वो जो मतलब नॉमिनेट कर देंगे उनको भी हम वहाँ पे बिठा लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, मतलब बनाया है क्यों है, पहली चीज़ तो जो भी प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने न्यूज़ क्या पढ़ी कि भाई वो सिक्योरिटी के बारे में मामले में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में बात हो गया, ठीक है, ग्रोथ ऑफ एक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस हो गया भाई, रीजनलिज्म की बात, लिंगुइज्म की बात होगी, सेंटर स्टेट की कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात होगी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी, कोई और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डिस्कशन हो सकती है। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल, आपको कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, जो नेक्स्ट न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने आपको बता दें कि आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से, ये देखिए कि भाई ये वहाँ पे पूल में गए अपना वो करके अपना कूल होके फिर बाद में आए, यहाँ पे भी ये लिखा है कूल ऑफ इन पूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है आपको पता है हमने मंकी पॉक्स के बारे में पहले भी देखा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी कंक्लूड की है, यहाँ पे देखते हुए कुछ केस ऐसे आए जिसको हम बोलें कि सिम्टम्स कम थे। पहली जो यहाँ पे चीज़ है हम अगर यहाँ पे बात करते हैं, नंबर वन चीज़ कि भाई एक तो चीज़ होगी कि सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगी, दूसरी चीज़ हमें ये देखने को यहाँ पे मिलती है कि मंकी पॉक्स विदाउट एनी सिम्टम्स, मतलब असिम्टोमेटिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नंबर थ्री अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्लिनिकल मंकी पॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है जी, और इनका पता ये चलता है कि इनको और ये जो लोग तीन लोग जिनको असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हुई है वो किसी के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए थे जिनको मंकी पॉक्स हुआ था, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन दे डिड सेक्स, ठीक है, वो इंटीमेट हुए विदाउट कॉन्डम, और उसकी वजह से अब ये कंक्लूड यहाँ पे हो रहा है कि ये सपोर्ट करता है हाइपोथीसिस को कि मंकी पॉक्स वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड वाया एनल सेक्स इवन इन दी एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तब भी वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे एक कंप्लीट मतलब तरीके से याद रखनी है, डन। तो एक तो ये चीज़ होगी, फिर उसके बाद में अगर हमने कुछ और न्यूज़ आज डिस्कस करनी है वो है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मणिपुर लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड अब यहाँ पे एक ना बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जीरी बम, ये एक असम का बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है और इसको कनेक्ट किया जा रहा था विद द रेलवे लाइन ऑफ इम्फाल। यहाँ से जीरीबम से इम्फाल तक जाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रेलवे लाइन ये कट शॉर्ट हो जाएगा टाइम और ये कुछ 3 घंटे लगेंगे, सिर्फ 3 आवर्स, 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स के ये चीज़ होती हुई हमें दिखाई देगी।
इसके लिए 46 टनल्स बनाई जा रही हैं, बहुत लॉन्गेस्ट टनल बनाई जा रही है 11.55 किलोमीटर की, है ना। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये जो तुपुल है यहाँ पे एक बहुत हाई लेवल की अभी लैंडस्लाइड आ जाती है। देखिए न्यू लाइन सेंक्शन का मतलब है ये वाली लाइन सेंक्शन की गई है, न्यू लाइन कम्प्लीटेड, ये वाली लाइन कम्प्लीट है, और ये जो गेज कन्वर्जन है वो तो कम्प्लीट हो चुकी है असम में। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड आ जाती है। वो कहते हैं लैंडस्लाइड रेलवे वालों ने बताया कि भाई ये हुई है बिकॉज, ये आपने याद रखना है यहाँ पे वर्ड, झूम कल्टीवेशन। एंड झूम कल्टीवेशन इज नथिंग बट दी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं, तो वहाँ की जो ट्राइब्स है वो क्या करते हैं, इन ट्रीज को पहले क्या करते हैं, जला देते हैं। जला के जब इनके पास एक लैंड का टुकड़ा है वहाँ पे खेती करेंगे, मतलब एग्रीकल्चर का काम करेंगे कल्टीवेशन का बहुत टाइम तक। जब ये पैच खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे और नया पैच जलाएंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। और ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मतलब तुपुल लैंडस्लाइड हुआ है, ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट की वजह से चीज़ें होती होती है, लेकिन जो मेन रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या है, यहाँ पे ब्लास्टिंग होगी, कुछ और होता है, वो तो चीज़ें हैं ही, लेकिन यहाँ पे झूम जो कल्टीवेशन है मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक बड़ा आर्टिकल आया है वो है सर्ज, व्हाट इज़ कॉजिंग अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस। तो इसमें अभी रहने देते हैं इसको, कुछ ऐसा एज सच खास नहीं बताया गया, तो अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट अगले दिनों में आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे RBI ने बोला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, और हमने इससे पहले जो पॉलिसी रेट्स हैं वो इंक्रीज़ किए थे। अब ध्यान से समझिएगा, पॉलिसी रेट्स होते क्या हैं। पॉलिसी रेट ना आप ये मान के चलो वो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे RBI जो मनी है वो बैंक को प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब सपोज करके चलते हैं कि RBI ने मनी प्रोवाइड की बैंक को, और बैंक लोगों को, कॉमन पीपल, ठीक है, कॉमन मासेस को ये मनी प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बैंक कॉमन मासेस को ये मनी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये भी कोई इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और इंटरेस्ट रेट जितनी पीछे से आएगी उतनी या तो कम या फिर ज़्यादा। अब सपोज करके चलते हैं यहाँ पे RBI ने इंटरेस्ट रेट रखा 5%, बैंक ने अपना फ़ायदा फुदा देख के लोगों को इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगा देता है 6 या फिर 7%। चलो जी, यहाँ तक तो पता लग गया हमें। लेकिन इस चीज़ के चलते हुए अगर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, 6 to 7% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कम, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट में कम है, डिक्रीज हुई है, तो जो मनी सप्लाई है, जो सप्लाई है मनी की, वो क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आप बोल रहे हैं टेम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस पॉलिसी रेट को, ये देखिए ना, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज कर लो हमने इसको कर दिया 7%, तो अपना फ़ायदा देख के तो इसकी इंटरेस्ट रेट बैंक क्या कर देगा, 8 to 9%, मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमें इंक्रीज होती दिखाई दी। लोग कम लोन लेंगे, जिससे मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो इन्फ्लेशन है वो भी हमें डिक्रीज में भी होती हुई दिखाई दे दे। इतना समझ में आए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और अगले न्यूज़पेपर की वेट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताने के बाद में इसका आंसर आएगा आपका डी, ठीक है, जो ऊपर ऑप्शन मैंने पूछा था आपसे, ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आएगा डी, कि कौन सी चीज़ है जो वो हमारे किस में नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपने याद रखना है, उसका आंसर बनता है डी। और ये देखिएगा डी आंसर कैसे बनेगा, भाई डी आंसर बनेगा इस तरह से कि भाई उन्होंने पूछा था कौन कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अभी मैंने आपको बताया NDC तो नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, और जोनल काउंसिल अभी हमने किया, तो आंसर विल बी डी 1, 2, 3। थैंक यू सो मच, बाय।